कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं, जो फिलहाल असम में है। हालांकि राहुल की न्याय यात्रा पर एफआईआर दर्ज की गई है, जो असम पुलिस ने की है। जानकारी के मुताबिक यात्रा के रूट में बदलाव की वजह से राज्य के जोरहाट शहर में एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस का कहना है कि यात्रा को अनुमति के अनुसार केबी रोड की ओर जाना था, लेकिन इसके बजाय यात्रा को शहर में एक अलग रूट पर ले जाया गया, जिससे इलाके में अराजकता की स्थिति पैदा हो गई और लोगों की अचानक भीड़ के कारण भगदड़ जैसी स्थिति भी बन गई। वहीं राहुल गांधी ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा पर सबसे भ्रष्ट सीएम का आरोप लगाया, तो वहीं हिमंता ने भी पलटवार किया। सुनिए। शायद हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट सरकार असम में चलती है। आप लोग जानते हो क्या हो रहा है असम में, और आपके जो मुद्दे हैं इनको हम भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से उठाएंगे। जो असम का इतिहास है, हिस्ट्री है, उसी को हम फिर से दोहरा रहे हैं। शंकर देव जी ने आपको रास्ता दिखाया था, सबको जोड़ने का काम किया था, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उसी प्रकार से, उसी रास्ते पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा चलने जा रही है। इसमें क्या बोलूं, मेरा हिसाब में तो देश का सबसे भ्रष्ट परिवार ही गांधी परिवार है। ये देश में बोफोर्स से लेकर भोपाल गैस कांड का एंडरसन को भगाने से जितना देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है, सबसे भ्रष्ट परिवार ही गांधी परिवार है। खाली अब भ्रष्ट नहीं, डुप्लीकेट भी है। उनका तो फैमिली नाम गांधी है ही नहीं, अपना डुप्लीकेट नाम लेके घूम रहा है। जैसे डुप्लीकेट लाइसेंस होने से तो मैं पकड़ लेता था, लेकिन डुप्लीकेट टाइटल लेने से क्या परिणाम होता है मैं नहीं जानता, इसीलिए वो घूम रहा है।